जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप सब लोगों की ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि मैं BTST का एक कोर्स लेके आऊँ। दोस्तों देखो BTST ना आप बिल्कुल भी रेगुलर नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपके लिए ना 6 कंडीशंस लेके आया हूँ। अगर मार्केट में ना वो 6 कंडीशन बनेगी ना तभी आपको BTST लेना है। तो इससे पता है क्या होगा कि अभी ना आपकी एक्यूरेसी ना 50% है BTST में, ठीक है। BTST में आपकी एक्यूरेसी अभी 50% है, लेकिन मैं इस एक्यूरेसी को बढ़ा के यहाँ पर कर दूंगा, मैं इसकी एक्यूरेसी 80% तक मैं इसकी एक्यूरेसी को लेके चला जाऊंगा। अभी आपकी एक्यूरेसी कितनी है 50%, अब मैं इसकी एक्यूरेसी को कितना पढ़ दूंगा 80%। मेरे पास ऐसी सीक्रेट 6 कंडीशन है ना, जब वो 6 कंडीशन मार्केट में बन गई ना, समझ लो कि आपका BTST बिल्कुल राइट जाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको ना बस इन 6 कंडीशंस के ना नोट्स बनाने, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो इन 6 कंडीशन का कोई भी मतलब नहीं है। तो इन 6 कंडीशंस के आपको नोट्स बनाने, और जब ये कंडीशन मार्केट में बनेगी ना तभी आपको ना एक ट्रेड लेना है, नहीं तो उसके बिना आपको एक भी ट्रेड ना पंच करना ही नहीं है। तो आपको तभी ट्रेड लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारी पहली कंडीशन। मैं आपको ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ कि मार्केट में पहली कंडीशन कैसी बननी चाहिए, ठीक है। हमारे पास दो हिस्से हैं, एक तो इधर है हमारे पास इधर निफ्टी, और यह है हमारे पास बैंक निफ्टी। दोस्तों वीडियो को ना ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो इधर है हमारे पास निफ्टी और इधर है हमारे पास बैंक निफ्टी। अगर टाइम फ्रेम हमारा है 5 मिनट, ये कंडीशन आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखनी है, दोनों में 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। देखो कि होता क्या है, अब इधर मैं ये दो हिस्से कर देता हूँ, इधर ये मैंने ये कर दिए, मैंने दो हिस्से ये वाले मैंने कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से हायर हाई बना रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये भी इस तरीके से हायर हाई बना रहा है, दोनों कंडीशन बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इधर से निफ्टी बिल्कुल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर ये कंडीशन बनती है ना तो आपको डाउन साइड का BTST लेना है, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन बन गई ना तब भी आपको डाउन साइड का BTST नहीं लेना, क्योंकि अभी तक हमारे पास 5 कंडीशन और पड़ी हुई है, वो 5 कंडीशंस भी मैच होनी चाहिए तभी जाके आपको BTST लेना। अगर 500 में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही ना तो आपको ना ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, 5 कंडीशंस में एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं हो रही है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव है और निफ्टी भी बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बना है, लोगों ने यहाँ पर कॉल ले रखा है, तो इसका मतलब है कि कल मार्केट ना चांस है कि पॉजिटिव खुल सकता है, ठीक है। लेकिन तो दोस्तों हमारी सेकेंड जो कंडीशन है, वो कंडीशन अभी जो जैसे मैंने बताई ना, वो कंडीशन हमारी ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों एक रेंज में ना रहे, ठीक है। एक रेंज में बिल्कुल भी ना रहे, एक तो ये वाली रेंज होती है, ठीक है। अब दूसरी तरीके की रेंज हमारी कौन सी है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये बनाया उसने हाई, ठीक है। ये मार्केट का क्या है, ये ओपन है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है और ये मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है। और ये मार्केट ने यहाँ पर इसने लो बनाया है, और मार्केट इसी पर यहाँ के अंदर बीच में ही क्लोज हो गया है। जिस दिन भी ये कंडीशन बने ना भाई, ये हाई था मार्केट का और ये लो था। अगर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों में अगर ये ही चेज सेम बन गई ना, कि दोनों के दोनों अगर एक ही रेंज के अंदर है ना, आपको BTST लेना ही नहीं है, आपको BTST लेना ही नहीं है। अगर ये कंडीशन बन गई भाई, बहुत ही खतरनाक रिस्क पड़ जाएगा अगर आपने BTST ले लिया है तो। ये कंडीशन अभी देखो बनेगी, अपन चार्ट पर देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से उसने हाई बनाया, उसने लो बना दिया, और उसी के अंदर मार्केट पूरा समाप्त हो गया था। उस दिन पता है क्या पॉसिबिलिटी रहती है, मार्केट यहाँ पर ओपन होगा भाग जाएगा, यहाँ पे ओपन होगा या भाग जाएगा, या यहीं पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर, उसी के अंदर कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये लो बनाया और ये हाई बनाया, और इसी के अंदर समाप्ति। तो ये उसका हाई था और ये उसने लो बनाया, और मार्केट की समाप्ति यहीं पर हो गई है, और ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ भी अगर मार्केट में बनती है ना, उस दिन भी आपको BTST लेना नहीं है। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको BTST बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर ये कंडीशन बनती है तो।
सबसे ज़्यादा रिस्की BTST हो जाएगा आपका, रिस्की, ठीक है। लॉस होने के चांस तकरीबन आपके मान लो 80% लॉस होने के चांस है, 50% भी नहीं है अगर ये बनती है तो, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। अब दोस्तों हमारी जो थर्ड कंडीशन है ना, वो थर्ड कंडीशन ये है कि आपको ना BTST प्लान करने के लिए आपको ये चीज़ तो कंपलसरी है, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ी। ये हमारा चार्ट है, ठीक है, ये हमारा इधर है निफ्टी और ये हमारा इधर है बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी एक चैनल के अंदर चल रहा था इसी तरीके से, और ये भी इस तरीके से ये इस तरीके से इसके अंदर ही चल रहा था, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन होगी, ये इसकी पहली कंडीशन है। कंडीशन नंबर तीन की ये पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर तीन की भी ये पहली कंडीशन। देखो अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है ना, अब इसमें सबसे जो मेजर रोल टाइम करता है ना वो है 1 आवर का टाइम फ्रेम। इधर भी 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए और इधर भी 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए, दोनों में ना 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम कंपलसरी है, 1 आवर का टाइम फ्रेम इधर और 1 आवर का टाइम फ्रेम ही इधर होना चाहिए। तो निफ्टी इधर से जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस ले लेता है, बैंक निफ्टी इधर से जाता है, ये भी इधर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता, यहाँ से आपकी कंडीशन मैच होगी और आपको यहाँ पर पुट का BTST लेना है। अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको ना पुट का BTST लेना है, क्या अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर है तो यहाँ से आपको पुट का BTST लेना है, यहाँ से आपको पुट का BTST लेना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन दूसरी कंडीशन पर, इसी की सेकंड कंडीशन। देखो इसकी सेकंड कंडीशन है, ये तीसरे नंबर की कंडीशन की ये है सेकंड कंडीशन, ये बननी चाहिए मार्केट में। तो ये इधर वही हमारा निफ्टी है और ये ही हमारा इधर बैंक निफ्टी है, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट में एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है कि मार्केट एक बार पहले यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया था और कुछ ही दिनों पहले मार्केट यहाँ से इसको तोड़ने के बाद में ना इसको टच करके ऐसे नीचे गया था। ये कंडीशन कुछ दिनों पहले इस तरीके से ऊपर भी गया था और कुछ दिनों पहले यहाँ से इसको तोड़ के और इस तरीके से टच करके ऐसे गया था, और ये हमारा सपोर्ट है। इसका उल्टा कर लेना, इसी का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। अब एक दिन होता है, ये मान लो 4 तारीख का मामला था कि इधर भी 4 तारीख का मामला था। अब आ जाती है हमारी 10 तारीख, 10 तारीख के दिन मार्केट यहाँ से आता है और इस पर सपोर्ट लेने के लिए आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 10 तारीख को आता है मार्केट और यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आता है। अब मार्केट कभी भी ना यहाँ से इसके गैप डाउन ओपन नहीं होगा, चांसेस इसके बहुत हाई है कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन नहीं होगा 10 तारीख को। अगर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, अभी लाइव प्रूफ भी दूंगा मैं आपको, लाइव प्रूफ भी दूंगा, तो इसके कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए। मार्केट के चांस है कि गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको कॉल साइड का BTST लेना है, आपको कॉल साइड का BTST लेना है। अगर ये कंडीशन बनती है तो यहाँ से आपको कॉल साइड का BTST प्लान कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हो गई तीसरी कंडीशन। अब आती है हमारी चौथी कंडीशन। दोस्तों हमारी जो चौथी कंडीशन है, वो चौथी कंडीशन ये है कि आपको जो इसके स्टॉक्स है ना, स्टॉक मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिनको जो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है, ठीक है, और बैंक निफ्टी के भी जो मतलब 20-25 सब कितने भी स्टॉक्स है ना, उनके अंदर से आपको एक तो लेना है रिलायंस, ठीक है, और एक लेना है आपको इधर से HDFC, ठीक है, HDFC इसके भी अंदर है। तो इन दो स्टॉक्स में आपको मात्र मैं 2 स्टॉक्स ही बता रहा हूँ और कोई भी स्टॉक नहीं। आप चाहो तो इनमें ICICI बैंक, कोटक बैंक ये भी ऐड कर सकते हो। इन 2 स्टॉक्स में आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप करने हैं और आपको जाके देखना है कि ये उसके रेजिस्टेंस पर थोड़ी है। अगर यहाँ पर ये सब के सब स्टॉक एक ही टाइम पर रेजिस्टेंस पर है ना, तो चांस है कि मार्केट यहाँ से ना निफ्टी भी ना गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इस यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाएगा इस रेजिस्टेंस से। क्यों ओपन हो जाएगा? क्योंकि यही तो इसको चलाते हैं, इसके जो इंडेक्स को यही तो चलाते हैं, ये स्टॉक ही तो इंडेक्स को चलाते हैं। तो यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कंडीशंस भी ना आपकी मैच होनी चाहिए, जो चौथे नंबर की कंडीशन है वो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, वो कंडीशन हमारी 6, लेकिन उससे पहले अपन 5 नंबर की कंडीशन को देखते हैं।
दोस्तों पांच नंबर की हमारी जो कंडीशन है ना वो ये है कि अगर मार्केट ने बिल्कुल इस तरीके से एक एंगलफिंग कैंडल बनाई है, अब इसका कलर ना बिल्कुल रेड भी हो सकता है और इसका कलर ना बिल्कुल ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी कलर की कैंडल हो भाई ये, लेकिन कैंडल बिल्कुल एंगलफिंग होनी चाहिए, तो आप इससे अगले दिन ना अगर ये रेड है तो आपको पुट ले लेना है, पुट साइड का बीटीएसटी ले लेना है, ठीक है। अगर ये ग्रीन है तो आपको कॉल साइड का बीटीएसटी ले लेना है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन में मैच करता है कि ये रेड है या ग्रीन। लेकिन अगर मार्केट ने बिल्कुल ऐसा डोजी बना रखा है तो आपको उस दिन कोई भी कंडीशन बने आपको कोई भी ना बीटीएसटी प्लान नहीं करना है। अगर ये कंडीशन बनती है कि मार्केट ने डोजी बना रखा है तो किसी भी साइड का आपको बीटीएसटी बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट में डोजी बनी हुई है ठीक है, और हैमर बनती है तो चल जाएगा, शूटिंग स्टार बनती है तो चल जाएगा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो अभी मैं आपको बताऊंगा ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। देखो कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, देखो एक तो हमारा चल जाएगा ये वाला हैमर चल जाएगा, एक हमारा चल जाएगा एंगलफिंग चल जाएगी, ठीक है, एक हमारी चल जाएगी शूटिंग स्टार चल जाएगी, ठीक है। तो एक कैंडल ये हमारी शूटिंग स्टार चल जाएगी, ठीक है। एक ऐसी ही कैंडल जो हमारी हैंगिंग मैन वो कैंडल होती है ना, जो मैंने बता रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल, वो कैंडल चल जाएगी। लेकिन जो ये डोजी वोजी ये कैंडल्स है ना ये नहीं चलेगी। वो सबसे ज़्यादा सेफ ये वाली कैंडल है, ये सबसे ज़्यादा सेफ कैंडल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेफ। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ बीटीएसटी खेलना है ना वो इसी के ऊपर खेलना है आपको, बिल्कुल सेफ बीटीएसटी इसी के ऊपर होगा। बाकी ये सब ना रिस्की है, ये मार्केट को साइड वे भी कर देती है ये कैंडल्स, ये मना बिल्कुल भी रिस्की होती है, लेकिन आपको इसके ऊपर खेल सकते हो। इसके बाद में मेरे को इस पे भरोसा है, इसके बाद में मेरे को इस पे भरोसा है, और इसके बाद में मेरे को इसके ही भरोसा है। तो इसको मैं देता हूँ 3 स्टार, इसको मैं 2, इसको मैं 2 और इसको मैं 2, लेकिन इसको मैं ज़्यादा स्टार दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे जो 6 नंबर की कंडीशन आती है ना वो कंडीशन ये है कि आपको बीटीएसटी कब नहीं करना है, वो मैं आपको ना अभी जो चार्ट बता रहा हूँ ना मैं आपको उसी के अंदर बता दूंगा कि आपको बीटीएसटी ना कब नहीं करना। तो चलिए अब अपन चार्ट पर चलते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ना 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेना है। तो ये मैंने कर दिया है 1 आवर का टाइम फ्रेम इधर, और ये इधर भी मैंने ये बैंक निफ्टी मैंने खोल लिया है, देखो खुला मेरे काका, तो ये मैंने इधर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, इधर भी अपने को 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेना है। तो मैंने दोनों तरफ 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लिया है। अब मेरे को इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। मैंने इसको जूम किया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है अपना, इसको मैंने जूम कर लिया है। अब इसको मैंने जूम करके मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेने हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से मैं गया कहाँ पे, ये रहा अपना ये चैनल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक चैनल बना लेना है। तो ये अपन ने ये चैनल बना लिया है, ठीक है, ये चैनल अपन ने बना लिया। इसके अंदर थोड़ी सी कलर भर देंगे, चल तो दिवाली रही है कलर का काम, फिर भी पुताई वुताई चलनी चाहिए अपनी थोड़ी साफ सफाई। तो ये अपन ने इसके अंदर पुताई कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये काम हो गया अपना। इसके बाद में ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो अपना इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है यहाँ पर भी मैं इसमें थोड़ा सा कलर भर देता हूँ। तो ये मैंने भर दिया है इसके अंदर, ये लो जी ये कलर भर दिया है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर नीचे जाएगा इस तरीके से, ये पूरा यहाँ तक जाएगा, और ये भी ना पूरा का पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब अपना कौन सा बाकी है भाई, इधर से बैंक निफ्टी बाकी है। इधर से मैंने ये बैंक निफ्टी को खोला, ठीक है। तो ये अपन ये देखो ये मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, मैं बीटीएसटी बहुत ही कम करता हूँ, कम है ना, ठीक है, लेकिन मैं ड्रॉ करके रखता हूँ ये वाले, क्योंकि ये अपने काम करते हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया हूँ, ये थोड़ा सा चक गया होगा रात के टाइम में फ़ोन को हिलाया हूँ तब, नहीं तो ऐसे तो नहीं हिलता, ये पता नहीं कैसे हिल गया, फ़ोन के अंदर वायरस है क्या। थोड़ा कार्य संपन्न हुआ, इसके बाद में मैं इसको कर लेता हूँ वापस से 2। तो ये मैंने इसको 2 कर लिया है, ये कर लिया अपन ने इसको 2, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने ये कर लिया है बिल्कुल जूम, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे, ठीक है। आपको मेरे को उम्मीद है कि आपको ना क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ एकदम चिट, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, अब देखो दोस्तों, अब आएगा ना बीटीएसटी लेने का मज़ा।
ऐसे ही थोड़ी बीटी। अब इधर तो अपन केवल ना उन कंडीशंस को मैच करेंगे, ये कंडीशंस बननी चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा, 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 तो इस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। अब आपको ये एक चीज देखनी है कि मार्केट ना इस सपोर्ट पर आए, मार्केट उस दिन सपोर्ट पर आके क्लोजिंग दे, यहाँ से इसके पास में आने के बाद में ना या तो इतना ऊपर चला जाए या यहाँ तक बस क्लोजिंग ही दे दे, बस इतना सा काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये आया और इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं, बीच में क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट इस चैनल के अंदर बीच के अंदर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग या तो यहाँ पर हो मार्केट की या इसके ऊपर हो, कहीं पर भी हो जाए क्लोजिंग, लेकिन यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पर आया, ठीक है, वन ये वाली देखो वन और ये टू और ये हमारी थ्री, नंबर तीन नंबर हो गई, ठीक है, ये हमारा है वन, ये हमारा है टू और ये हमारा है थ्री, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर हर बार यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब इसको कभी भी ना ये इधर गैप डाउन ओपन नहीं है, यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर मार्केट की इसकी क्लोजिंग हुई और ये भी यहाँ पर आके इसने क्लोज दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप कॉल साइड का BTST प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर, जब मार्केट यहाँ पर आएगा आपको कॉल साइड का BTST ले लेना है, बिल्कुल भी बेझिझक आपको झिझकना बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये एक कंडीशन बनी है, अपने पास अभी भी पांच कंडीशन बाकी है, उन पांच कंडीशंस को भी अभी ने देखना, इसके अंदर देखना है कि पांच मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वन आवर का टाइम फ्रेम में ही पूरी चीजें बता देता हूँ, पहले अपन इस वन आवर के टाइम फ्रेम को ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला अपना देखो, ये अपना एक सपोर्ट हो गया, ये वाला अपना एक सपोर्ट हो गया, मार्केट हर बार यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब की बार यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है, गैप अप ओपन होने के चांस थे, लेकिन इसने यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अगर इसने इस तरीके से नेगेटिव क्लोजिंग दी है ना, समझ रहे हो ये गैप डाउन ओपन होगा, सपोर्ट के पास में नेगेटिव क्लोजिंग दे दी इसने, तो यहाँ पर देखो ये गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन इसने यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी, गैप अप ओपन, यहाँ पर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे देखो गैप अप ओपन। तो इस सपोर्ट के पास में मार्केट जब भी आ रहा ना, तो देखो गैप अप ओपन हो रहा है, बस इसके अंदर इतना सा था कि कोई भी बड़ी कैंडल मार्केट के सपोर्ट पर आनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर बड़ी कैंडल आई थी, लेकिन इनमें देखो हैमर कैंडल ये थी, लेकिन इसके अंदर ये इतनी बड़ी कैंडल आई थी। तो याद रखना, कभी भी अगर सपोर्ट के पास में कोई भी बड़ी कैंडल आके इस तरीके से क्लोज हो रही है ना, ठीक है, तो आपको उस दिन ना कॉल साइड का BTST नहीं लेना है, आपको उस दिन वन आवर के टाइम फ्रेम में अगर कोई भी बड़ी कैंडल आके क्लोज हो रही है तो आपको कॉल साइड का BTST बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पर आप कॉल साइड का BTST प्लान नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी क्लोज होंगी। आपको इन तीनों को देखो, तीनों चीज़ों को देखो, यहाँ पर बड़ी कैंडल आई थी, यहाँ पर देखो छोटी कैंडल, इन जगह पर आप कॉल साइड का BTST प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये सपोर्ट था, ये पहले से अपन ने ड्रॉ कर रखा था, मार्केट वापस से यहाँ पर आया इस सपोर्ट पर, वापस देखो गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। और उसी टाइम सेम टाइम जिस दिन ये तारीख थी ना, उसी दिन देखो ये भी आया था बैंक निफ्टी में, उसी दिन आया यहाँ पे, इसको टच करा और देखो गैप अप ओपन हो गया। तो ये होते हैं भाई BTST लेने के तरीके, ऐसा नहीं यहाँ पर ले लिए वहाँ पर ले लिए, हर जगह भाई BTST काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये तो अपने पुराने चार्ट हो गए, अपन आज चलते हैं कल के चार्ट पर। कल का ये चार्ट ये रहा, कल का चार्ट गैप डाउन ओपन जो हुआ था, यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन भाई होना ही तय था, भाई गैप डाउन ओपन होना तय था। ये देखो हमारा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या सिखाया था याद होगा आपको, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, कि ये इस तरीके से और फिर ये इस तरीके से बन गया, तो ये देखो ये ऐसी जगह पर मार्केट आके रेजिस्टेंस ले रहा है ना भाई, उसके चांस ही बहुत कम है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग दे देगा, बहुत ही कम चांस है, ठीक है। तो ये अपना पूरा सेम सिनेरियो था, ठीक है, ये वाला सेम सिनेरियो था, ये वाला देखो यहाँ पे मार्केट हुआ ना, यहाँ पे देखो इसको कल टच करा था तो गैप डाउन ओपन होने के चांस थे, ठीक है। यहाँ पे ये टच नहीं करा, ये टच नहीं करा था, देखो ये वाला टच नहीं करा था, ये 19,500 का लेवल है निफ्टी के अंदर, 19,500 का लेवल है, और 19,500 के लेवल को अगर मार्केट टच करता है ना, तो मैं पुट साइड का प्लान कर लूँगा, उसके ऊपर टच होता है तो मैं कॉल साइड का प्लान कर लूँगा। मेरे लिए भाई ये मेजर लेवल है 19,500 का लेवल, ठीक है। तो ये 19,500 का लेवल पे देखो सेम अपनी कंडीशंस बन रही है, सेम कंडीशन, तो यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ था तो सेम कंडीशन बन रही थी, यहाँ से देखो इसको तोड़ के आया और यहाँ पर आप देखो इस जगह पर देखो
अब ये इसको टच नहीं करा, लेकिन बैंक निफ्टी ना, निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाता है, तो अगर ये इस रेजिस्टेंस में चला गया ना, तो चांस बहुत हाई है कि ये भी ना गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इस तरीके से गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो उसी की वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ था और अपन लाइव में भी थे, अपन ने आराम से ट्रेड भी लिया था, लेकिन अपनी किस्मत थोड़ी सी वो है, तो उसकी वजह से अपनी स्ट्रीम बंद हो गई थी, तो अपन ने मात्र एक ट्रेड लिया था और यहाँ पर मैंने आपको ये यहाँ पर एक ट्रेड दिया भी था। ठीक है दोस्तों, अपन लाइव में थे, जो लाइव ज्वाइन नहीं कर सकता वो लाइव ज्वाइन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी एक और कंडीशन क्या थी, एंगल्फिंग कैंडल वाली। देखो एंगल्फिंग कैंडल वाली मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इस चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ, ये मैंने जूम करा, ठीक है, और इधर से मैं कर लेता हूँ वन डे का टाइम फ्रेम। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम हो चुका है, ठीक है, ये वन डे का टाइम फ्रेम हो गया और मैंने इसको कर लिया है ये जूम। ठीक है, अपन ने जूम कर लिया है, बिल्कुल फ्री में जूम कराया अपन ने, कोई इसके चार्ज बिल्कुल नहीं लगे हैं, जूम अपना बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या सीखा है, अपन ने सीखी है भाई एंगल्फिंग कैंडल वाली चीज़। एंगल्फिंग कैंडल मेरी फेवरेट, यहाँ पर उसके अगर कैंडल के ऊपर थोड़ी सी भी वीक है ना भाई, उसके दिन उस दिन BTST बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है आपको। कैंडल के पास में अगर कोई भी वीक है ना ऊपर, उस दिन BTST प्लान नहीं करना। इसके ऊपर वीक थी, ठीक है, इसके अंदर आपको BTST प्लान नहीं करना। अगर ये गैप डाउन यहाँ इतना ओपन हो गया और ललचा रहे हो भाई नहीं चलेगा काम, एक दिन लॉस भी कर जाओ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया एंगल पे, इसमें BTST आप ले सकते हो। इस कैंडल में BTST नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल्स नहीं, लेकिन और कंडीशंस अगर चल गई ना तो आप BTST उसमें ले सकते हो। ठीक है, अब ये कैंडल थी पूरी एंगल्फिंग कर गई, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन ऐसी कैंडल में भी आपको BTST प्लान नहीं करना है। कैंडल बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ये इसके अंदर तीन चार कैंडल थी, इस बॉक्स के अंदर तीन चार कैंडल थी और एक कैंडल बिल्कुल ऐसे ओपन हो गई, उसके ऊपर क्लोज कर गई। तो उस दिन आपको उसके हाई के ऊपर जो पिछली कैंडल है ना, ये पिछली कैंडल है ना, ये पिछली कैंडल है अपनी, ठीक है, इसके और ये वाली पिछली कैंडल है, तो इन सब के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए इस तरीके से। अगर उसके बीच में भी यहाँ पे क्लोज करें ना, संजय में हो भाई, मार्केट ने कुछ ऐसा किया है जो आपको पता नहीं है, तो उस दिन आपको BTST लेना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, ये बिल्कुल एंगल्फिंग कैंडल है, ये पिछली कैंडल के लो के नीचे बिल्कुल एंगल्फ कर गई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये इस सपोर्ट पर था और यहाँ पर बड़ी कैंडल थी, तो इस दिन आपको BTST लेना ही नहीं था। ठीक है, इस दिन ये कैंडल तो बिल्कुल देखो डोजी बनी है, लेकिन सपोर्ट पर था तो अपनी और कंडीशन मैच हो गई, आप उस दिन ले सकते हो। यहाँ पर देखो बिल्कुल एंगल्फिंग कैंडल है, बिल्कुल एंगल्फिंग कैंडल, आप BTST ले सकते हो। ये छोटी कैंडल थी, ठीक है, और इसने बिल्कुल भी किसी भी कैंडल का लो क्रॉस नहीं किया, इसने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, इस दिन आप BTST ले सकते हो। इसने इस कैंडल के नीचे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, BTST ले सकते हो। इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, BTST ले सकते हो। लेकिन तीन कैंडल हो चुकी है ना, तीन कैंडल के बाद में आपको BTST नहीं लेना है। अगर तीन बड़ी कैंडल बन चुकी है ना, जैसे एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, तीन बन गई ना, अब आपको BTST नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये कैंडल देखो इतनी यहाँ पर ये बनी, इसके बाद में ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, आप इस दिन BTST ले सकते हो। ये इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो आप BTST नहीं ले सकते। ये भी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, आप BTST नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ पर आपकी दूसरी कंडीशन बन गई थी, तो उस कंडीशन से आप BTST ले सकते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बनी है जिसमें आप BTST ले सकते हो। और ये डोजी वाले में मामले में आपको बिल्कुल भी दूर रहना, हाथ जोड़ो इनके डोजी वालों के मामले में बिल्कुल, क्योंकि ये डोजी यहाँ पर काम कर गई ना, अपने को बिल्कुल नहीं पता ना मार्केट कैसे बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो काम ही नहीं करिए फिर, तो ऐसी जगह पर आपको BTST से दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये हमारे रेंज वाली कंडीशन है, रेंज वाली। अगर मार्केट इसी तरीके से एक ही रेंज के अंदर है ना, उस दिन आपको BTST बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मार्केट एक ही रेंज के अंदर है ना, आपको उस दिन BTST नहीं लेना है। इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी आपको BTST प्लान नहीं करना है। और अपनी अगली कंडीशन क्या थी, अपनी अगली कंडीशन ये थी कि मार्केट ना एक उस तरीके से हायर हाई बनाता जाए, ठीक है, पिछला हायर हाई बनाता जाए, तो अपन BTST प्लान कर सकते हैं। देखो अपन देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया है। ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ से, इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट में कर देता हूँ, आँखों में दर्द होगा नहीं तो। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट इस तरीके से इसको तोड़ा था। ठीक है, मार्केट ने ये हाई नहीं तोड़ा, ये हाई नहीं तोड़ा, ये वाला हाई बिल्कुल यहाँ से बस उसने लिक्विडिटी ली है। ठीक है, लिक्विडिटी ली है, डायरेक्ट तोड़ा है ना, तो उसने लिक्विडिटी ली है। अपन उसको लाइव क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट तोड़ता है तब वो लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टेल क्या थी, इसका
एंड ये बता रहा है कि ये डाउन साइड का था, एक भी हाई नहीं तोड़ा है, तो इस दिन आपका BTST बन सकता है पुट साइड का, ठीक है। ये कंडीशन आपकी अगर बनेगी तो, ये कंडीशन आपकी बननी चाहिए। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने पिछला क्या करा था, मार्केट ने ये बनाया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से हाई तोड़ा, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद में देखो इसने यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि मार्केट ने ना इसी के अंदर ये लो था और हाई था, इसके अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो इस दिन भी आपको BTST नहीं लेना है, इसमें ललचाना मत कि इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, ललचाना मत, ठीक है। इसमें अगर अपनी और कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली कंडीशन बनती है ना, तब आप जाके BTST इसमें ले सकते हो। अगर यही कंडीशन है मात्र, तो ऐसी कंडीशंस में आपको BTST प्लान नहीं करना है, अगर ऐसी कंडीशंस बनती है तो, ठीक है दोस्तों। मैं अभी और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल्स की अपने पास कोई भी कमी नहीं है, एग्जांपल्स की अपने पास कमी नहीं है, ठीक है। ये मार्केट, ये आपको पता ही है ना कि ये उस सपोर्ट पर था, ये वाला अपना सपोर्ट था, हल्का सा दिख रहा होगा, तो उस वजह से ये इतना गैप अप ओपन हुआ था। तो इसमें तो बताने वाली मेरे को कोई चीज़ है ही नहीं कि इसमें भी मैं आपको इसमें ऐसा कुछ बताऊँ, ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे वाला जो बताने वाली चीज़ है वो है अपना मार्केट, ठीक है। जो आज कल का मार्केट था, जो कल का मार्केट मैं इसी में बता देता हूँ आपको, सबसे बेटर रहेगा ये वाला कल का मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी रेंज थी, अपने को इस रेंज में एक भी BTST प्लान नहीं करना था, ठीक है। लेकिन उधर से बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को टच कर लिया था, ये वाला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कर लिया था, लेकिन निफ्टी ने नहीं कर, वो पिछला क्या था कि इसने एक भी हाई नहीं तोड़ा था और इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, ठीक है। कल के लो के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, कल के लो के नीचे, मतलब अगर लो के नीचे क्लोजिंग दिया है तो लोगों ने सेलिंग मारी होगी, चांसेस बहुत हाई है कि लोगों ने सेल करा होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेलिंग थी ना, तो लोगों ने सेल मारा होगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरों एक कंडीशन मैं भूल गया था, वो कंडीशन अपनी क्या थी कि अगर मार्केट, देखो एक कंडीशन मैं भूल गया था, वो कंडीशन उसमें थोड़ी सी आप देख लेना, ठीक है। अब मेरे को याद आई कि वो कंडीशन ये है कि अगर मार्केट कोई भी राउंड लेवल है, कोई भी राउंड लेवल 19,000 का है, ठीक है, और 19,500 का है, तो इस तरीके का लेवल होना चाहिए, 519,000 ऐसे लेवल्स पे आके मार्केट एक तो है कि यहां पर रुक जाता है, ठीक है, क्लोजिंग दे देता, एक है कि यहां से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक है कि बिल्कुल इसी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इन कंडीशंस में आपको इस कंडीशन में ट्रेड करना है, इसमें ट्रेड करना है, इसमें ट्रेड नहीं करना। तो राउंड लेवल का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, कोई भी राउंड लेवल हो वहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल ले सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि राउंड लेवल पर ना बड़े लोग बैठे हुए थे, जो राउंड लेवल होते ना, जो 19,000 का, ठीक है, तो इन राउंड लेवल पर ना बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये 19,000 का लेवल है, ये 19,000 का लेवल है, तो बड़े लोग भाई नहीं चाहेंगे यार कि इसके ऊपर यहाँ से मार्केट जाके यहाँ पे रुका ना, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर क्लोजिंग दे दिए ना तो उनको लॉस हो जाएगा, तो वो कैसे भी करके ना इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देने देते। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, एक राउंड लेवल का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये बहुत भाई ये मोस्ट है, ये वाली चीज़ ना मोस्ट है, इस चीज़ को ना बिल्कुल बस ध्यान ही रखना आपको, ठीक है। अब जो बारी आती है अपनी स्टॉक्स की, ठीक है, स्टॉक्स में कैसे करना आपको, तो देखो दोस्तों मैं इधर से ये चार्ट को टू कर लिया दो, ठीक है, इधर अपना निफ्टी है, मैं स्टॉक्स में गया, इधर खोल लिया मैंने HDFC और इधर मैंने खोल लिया है रिलायंस, ठीक है, तो खुल जा रहा यार, क्यों बेइज्जती करवाता है, खुल जा, हाँ खुल गया, ठीक है। और इधर 1 आवर का टाइम फ्रेम और इधर भी 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये अपन ने इसको जूम करा, ठीक है दोस्तों, ये जूम है अपना पूरा चार्ट, और ये इधर से भी ये जूम है, शायद जूम ही है ये लो जी, ठीक है, अब देखो, ठीक है, मैं इसमें तारीख देखना है आपको, इसमें तारीख देखनी है, ये कितनी तारीख का चार्ट है, देखो ये तारीख चार्ट कितनी तारीख का है, ये चार्ट है भाई, इसमें थोड़ा सा 18 अक्टूबर का चार्ट है, ये कितनी तारीख का, ये भी 18 अक्टूबर का चार्ट है, ठीक है, 18 अक्टूबर का चार्ट ये है 18 का, ठीक है, और ये भी 18 का है, ठीक है, और सेम 18 तारीख को ये भी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस पर है, और दोनों मेजर स्टॉक्स भी है, चलाते भी हैं मार्केट को, तो ऐसी जगह पर भाई BTST प्लान कर लो। लोगों को तो निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहा है, लेकिन उनको चलाने वाले इनके बाप है, ये उनके बाप है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाने वाले बाप है, तो लोगों को तो वो दिख रहे हैं लेकिन आपको ये भी दिख रहे हैं, तो ऐसे में BTST बिल्कुल सेफ रहेगा भाई साहब, ये मान लो आप, ठीक है।
अब बीटीएसटी लेना ही है ना, तो भाई तरीके से लो यार, ऐसे मतलब तुक्के मत बढ़ाओ, तुक्के वाली ट्रेडिंग मत करो, तुक्के वाली ट्रेडिंग मत करो बिल्कुल भी। अभी कितनी तारीख का चार्ट है ये देखो, ये वाला, अब ये देखो ये सपोर्ट पर था, ठीक है, और ये सपोर्ट पर था, ये मैंने सही ड्रॉ नहीं कर रखे। आप इनको और भी अच्छे से ड्रॉ करोगे ना, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। बस मैंने तो इनको क्या कि सही ड्रॉ नहीं कर रखा है। अभी कितनी तारीख है, ये 11 अगस्त का है, 11 अगस्त का, और अपन तो इसमें यार बहुत पीछे हैं। ये 5 मिनट का कर रखा है कि अपन ने, इसको मैं 1 घंटे का करता हूँ। तो ये देखो, ये इस रेजिस्टेंस पर था, इस रेजिस्टेंस जोन पर, ठीक है, और ये भी इधर रेजिस्टेंस जोन पर था, तो गैप डाउन ओपन होने के चांस बढ़ गए। जब ये इस सपोर्ट पर आएगा, ठीक है, ये वाला सपोर्ट, इसके अंदर ये सपोर्ट है और इसके अंदर ये सपोर्ट है, जब ये इस सपोर्ट पर आएगा तो गैप अप ओपन होने के चांस होंगे, गैप अप ओपन होने के चांस होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी जो सारी कंडीशंस है उन सब के आप नोट्स बना लेना, सारी कंडीशंस मैच होना जरूरी है, ठीक है। एक दो कंडीशंस मैच नहीं होगी चल जाएगा, इतनी थोड़ी बहुत रिस्क तो आप ले ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो में बस एकमात्र जो चीज़ बची है ना वो है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको स्ट्राइक प्राइस भी जाननी है ना तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता दूंगा कि आपको BTST के लिए ना कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आराम से ज़्यादा फटाके मत फोड़ना, ठीक है दोस्तों, थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, और स्टॉप लॉस के लिए पैसे बचा के रखना, फालतू में अपने पड़ोसियों को जलाने के लिए ऐसे कुछ भी करने के लिए ज़्यादा फटाके मत फोड़ना, ठीक है। फालतू के पैसे खर्च बिल्कुल भी मत करना, आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो अपने स्टॉप लॉस तो आपको देने होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करना, तो आराम से आपको हिसाब के ही पटाखे फोड़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।